हफ्ते भर पहले की बात है, मैं फ्लाइट में बैठा हुआ था, इमरजेंसी एग्जिट सीट पे, किसी को तंग नहीं किया, अपने फोन पे देख रहा था चुपचाप, ठीक है। फ्लाइट अटेंडेंट आई और मुझे समझाने लग गई कि इमरजेंसी सिचुएशन में जान बचाने के लिए क्या करना होता है, और अगर है कोई उस्ताद इस दुनिया में जिसकी समझ में आया हो कि वो क्या कहना चाह रही, तो मैं मिलना चाहूंगा उससे। वो आके मेरे को कहती है, सर आपको हिंदी आती है? मैंने कहा जी हाँ। She's like, आपातकालीन स्थिति में इस द्वार को खोलने की विधि बता रही हूं। मैंने कहा हिंदी आती है? ये जो श्लोक पढ़ा है ना आपने, इसका मतलब नहीं जानता यार मैं। आपको क्या लगा यहां पे चंकी स्नीकर पहन के मुंशी प्रेमचंद आया हुआ है? नहीं, बंदा देख के तो बात कर लो यार। मैं कई बार बातों बातों में अपनी मां को ब्रो बुला देता हूं। That's who I am। और आपका सवाल ही गलत है, सीधा पूछो ना, बहुत हिंदी आती है क्या? I was upset, I wanted revenge। तभी तक प्लेन टेक ऑफ नहीं हुआ था, मेरे फोन पे इंटरनेट था, मैं हिंदी वर्ड्स गूगल करने लग गया। जैसे ही प्लेन आसमान में पहुंची, मैंने उसी फ्लाइट अटेंडेंट को वापस बुलाया। I was like, excuse me, ma'am. She's like, yes, sir. I was like, महोदया, वाणी कर्कश होती जा रही है, कृपया एक पात्र प्रदान करें जिससे कंठ नाली में नमी महसूस हो सके। She was like, sir, क्या? मैंने कहा पानी चाहिए, पानी। She's like, तो ऐसे बोलो ना। मैं कहा ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लगा आपको हिंदी आती है। माई प्रॉब्लम इज कि अगर इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इमरजेंसी सिचुएशन में जान कैसे बचानी है, तो उसमें कलाकारी की कोई जरूरत नहीं। ऐसे शब्दों में समझाओ कि सबको समझ में आ जाए। सीधा सीधा बोल ना, खोल कूद मरेगा। मैंने देखा है जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो उतनी ही डिफिकल्ट हिंदी में समझाई जाती है, whether it's about loss of life or loss of money, like those ads, mutual funds, निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, कृपया योजना से जुड़े दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। सीधा सीधा बोलना, जुआ है जुआ। भिखारी बनेगा, सड़क पे मरेगा, मांग के रोटी खानी पड़ेगी, दिमाग लगा ले, बोलना सीधा। I don't know, मुझे इरिटेट होता है टू गेट ऑन flights, बिकॉज आई हैव टू डू इट एवरी वीक, बिकॉज दिस इज माई जॉब। द ओनली फ्लाइट आई एंजॉय इज द फ्लाइट बैक होम टू गोवा। आई लिव देयर विद माई गर्लफ्रेंड, इट्स गोइंग वेल, आई मीन आई थिंक। उसको मैंने पूछा नहीं है, खुशी होगी, गई नहीं कहीं अभी तक। पर हम लोग अलग बहुत है, मुझे बाहर जाना नहीं पसंद, शी लाइक्स टू गो आउट बिकॉज शी इज अ पर्सन। बट माई प्रॉब्लम विद गोइंग आउट इज वही सारा खाना घर पर आ जाता है, जहां हम अपने सोफे पे बैठ के अपना टीवी देख सकते हैं और अपने पसंद के गाने एक नॉर्मल वॉल्यूम पे सुन सकते हैं, एज अपोज टू गोइंग आउट, जहां पे बाहर जाते ही यू एंटर अ रेस्टोरेंट और अ कैफे और अ बार और व्हाटएवर, दुनिया के सबसे घटिया गाने सबसे लाउड वॉल्यूम पे आपको असॉल्ट करने लगते हैं। आई वेंट टू दिस प्लेस रिसेंटली, आई जस्ट एंटर्ड सडनली, आई डोंट नीड नो मोर, या मोर देन डायमंड, मोर देन गोल्ड। Like, excuse me, order place करना है। Get where it go, बिगड़ bang bang। डरा क्यों रहे हो भाई? टिक्का मंगाना है बस यार। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ला 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 ला। हंसो मत, तुम ही लोगों ने वायरल किया है इस कचरे को, ठीक है? ला 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 ला। मजा आता है ना ये सब सुन के, सुनो फिर कानों में चुभ रहा है ना, पैसे दे के सुनो। ये गाना नहीं है, एक कमेटी बिठाई जानी चाहिए जो तय करती है कि संगीत क्या है, और उन्हें घोषित कर देना चाहिए कि जो भी है ये नहीं है। आप 30 बार लोलो नहीं कर सकते, ये एक आर्ट फॉर्म है, यहां बकचोदी नहीं चल रही, कुछ लिख के लाओ ढंग का यार। और ये सिर्फ बाहर के देशों में नहीं हो रहा है, यहां पर भी हाल बहुत खराब है। जो गाने लोग सुन के रो रहे हैं कि ओहो क्या इमोशनल हो गए हम, वो भी इतने घटिया हैं। मैं सुन रहा था उस दिन, दूधों की मलाई रस्ता, दूध
हम नॉस्टैल्जिक भी एक ऐसे टाइम के बारे में हो रहे हैं जब गाने घटिया ही थे. हम 90s के बारे में सोच के नॉस्टैल्जिक होते, क्या गाने बनते थे तब, वो भी घटिया थे यार, बस उतने नहीं जितने आज के हैं, इसलिए हमें लगता है ओ हो क्या टाइम था वो. मैं उस दिन गाड़ी में जा रहा था, रेडियो पे बज रहा था, आंखें भी होती हैं दिल की जुबां, ऐसे तो मैं कुछ भी बोल दूं, घुटने भी होते हैं छाती के नाखून. बकवास ही करनी है दिन भर कर दूंगा, उसमें क्या. एंड व्हाट्स इवन मोर अनोइंग, स्कैरी इवन, इज आने वाली जनरेशंस म्यूजिशियंस की क्या करनी है. इफ यू ओपन अप इंस्टाग्राम एंड यू सी अपकमिंग म्यूजिशियंस कौन से, ओ हो हो, उन्होंने जो रायते फैला रखी है. पता नहीं है इंस्टाग्राम म्यूजिशियंस को किसने कहा था कि साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली एक्सेंट में हिंदी पंजाबी गाने गाओ, और ऐसा कर क्यों रहे हैं ये. एवरी टाइम यू ओपन द ऐप, प्यार मेरे नू तू वे मजाक समझ के बैठा, वे मजाक समझ दिया. तुझे क्या गम तेरा रिश्ता, दगन का बांस रहा है, पवन का जोसा जोसा है, सूरज का रोशन आसा है. दुनिया की कोई भी भाषा बोलने के लिए इतना मुंह नहीं खोलना होता, ठीक है. मोहम्मद रफी अगर ऋत्विज की आवाज सुन ले तो अपनी आंखें फोड़ के वापस कब्र में कूद जाए. और आंखों से तो इंसान सुनता भी नहीं है. Another reason I don't like going out is because every place is now a copy of every other place. एक तो ये micro breweries खुल गई हैं अब, है ना? किसने कहा था नल से शराब निकालने के लिए? बाबूराव गणपतराव आपटे के अलावा. अच्छा, ऐसी जगहों पे ये लोग board games रख देते हैं, ये cafes, micro breweries पे, ताकि लोगों में आपस में बातचीत ना हो पाए. लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं डेट पे, एक दूसरे को बेहतर जानने के लिए, समझने के लिए. फिर दो घंटे जेंगा खेल के वापस आ जाते हैं. देर लाइक, लड़का कैसा लगा तुम्हें? हाथ बहुत हिलता है उसका. उसका हाथ ही स्टेबल नहीं है, हमारा फ्यूचर कहां से होगा. जेंगा से ज्यादा गधा गेम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है. हमारे स्कूल में एक गेम होता था जहां पे एक लड़का बेंच पे अपना हाथ मारता है, फिर उसके हाथ पे एक दूसरा लड़का आके अपना हाथ मारता है, फिर ऐसे 40 बुद्धिजीवी नौजवान, भारतवर्ष का सुनहरा भविष्य, मिलके एक दूसरे की उंगलियां सुझा देते हैं ताकि कोई भी एग्जाम ना लिख पाए. इस गेम का नाम था रेड हैंड. रेड हैंड्स जो है ना, वो जेंगा के सामने चेस की तरह लगता है. दैट्स हाउ स्टूपिड जेंगा इज. ये बनाने के लिए पेड़ काटा है. पेड़ काट रहे हो, कागज बनाओ, फर्नीचर, जेंगा. पेड़ गिरा के जेंगा बनाया, फिर जेंगा गिरा दिया. वाह, क्या बात है, क्या दिमाग लगाया इन लोगों ने. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द थिंग्स पीपल डू टू हैव फन. पीपल गो टू नाइट क्लब्स टू डांस. व्हाट अ डिप्रेसिंग सेंटेंस. मैं नाचने जा रहा हूं. मुझे लगा नाचना स्पॉन्टेनियसली होता है, कि मुझे अभी खुशी हुई, मैंने अभी नाचा, मैं रुक गया. बट पीपल आर टेकिंग द स्पॉन्टेनियटी आउट ऑफ इट. दे प्लान टू डांस. दे लाइक फ्राइडे को 11 बजे खुशी फील करके नाचेंगे. ये ट्रैफिक में फंसे, नाचने जाना है भाई. ट्रक को ओवरटेक करूं क्या, ठुमका लगाने के लिए लेट हो रहा हूं. और मैं सच बता रहा हूं, मुझे ना डांस ही नहीं पसंद. चाहे कोई जितना भी अच्छा कर ले, मुझे बोरी होता है. लाइक आई कैन अंडरस्टैंड जब कोई नाच रहा है कि जो ये कर रहा है ये बहुत मुश्किल है, पर क्यों कर रहा है. गाना मुझे भी पसंद है, तू हिल क्यों रहा है, बैठ जा ना नॉर्मल इंसान की तरह. दो चार ही लोग हंसे इस वक्त, बट आई डिड नोटिस कि जो दो चार लोग हंस रहे थे उनका सबका बॉडी टाइप रफली मेरे जैसा ही है. लाइक हाँ यार, हाँ साले खुद भी नाचते, पतले हरामजादे हमें भी खींच के नचवाते, बोल कुछ नहीं. As somebody who does not like dance, I watch a lot of dance.
मैं डांस इंडिया डांस जैसे टीवी रियलिटी शोज को चाट चुका हूं पूरी तरह से, क्योंकि मुझे बहुत मजा आता है उदास लोगों को उदास गानों पे बेहद उदासी फैलाते हुए देखना, उतनी जितनी किसी की जिंदगी में हुई ही नहीं आज तक। डांस इंडिया डांस के एक एक गाने में उतनी ट्रेजेडी है जितनी ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं हो पाई अभी तक। क्या क्या हो रहा है उन गानों में, जंग में पैर कट गया, मां मर गई, खुद की आंख में सुट्टा बुझा दिया। अरे भाई क्यों क्यों किया तूने ऐसा खुद ही के साथ, और अब तू इस बारे में नाच क्यों रहा है, ये कोई नाचने वाली बात है यार? That's what I don't understand. ये लोग आपके emotions को manipulate कर रहे हैं। आप sad हो भी नहीं, आप खुश हो, ऑफिस से घर आए हो, जूते उतार के चिप्स खा रहे हो, एसी चला के टीवी देख रहे हो, ये आपकी स्क्रीन पे आते हैं और दुख में नाचने लगते हैं। दुख में कौन नाचता है? नाचा तो सिर्फ खुशी में ही जाता है ना। आज तक किसी को रियल लाइफ में दुख में नाचते हुए देखा है? Have you ever been to a funeral and the guy is like, कितनी बार कहा था पापा को, अरे मीठा मत खाओ, फ्राइड मत खाओ, ये सुनते थोड़ी है, को बोल बोल के थक गए इन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी, अब मम्मी इनके बिना कैसे जिएगी, हाय इतना बोला इनको, इतना बोला, कहीं के नहीं बचे हम, कहीं का नहीं छोड़ा हमें, इतनी बार कहा इनको, अब हो गया ना हार्ट अटैक है, मन करता है रस्सी लेके खुद को भी लटका ही दूं, मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। अगले जोक के पहले रुकना पड़ेगा सांस वापस आने के लिए। Anyway, एक तो ये जो शोज हैं, ये डांस इंडिया डांस टाइप, यहां पे जो गाने होते हैं वो जैसे ही शुरू होते ही ये कंटेस्टेंट्स के चेहरों पे ऐसे एक्सप्रेशन आने लगते हैं, डरावने भयानक, ऐसा लगता है मुंह बनाने का शो है। डांस तो सेकेंडरी स्किल, गाने का पहला नोट नहीं बचता, दीज गाइस आर लाइक, out of nowhere what the fuck are you doing and where can I see more of this I'm like chalo theek hai aap hamare emotions ko manipulate kar rahe ho theek hai chalega आप डरा देने वाले एक्सप्रेशंस बना रहे हो ये भी ठीक है ये भी चलेगा कम से कम जो आप नाच रहे हो और जो गाना बज रहा है उसमें कोई कनेक्शन हो सकता है क्या जो गाने के वर्ड्स हैं और जो तुम्हारे स्टेप्स हैं इसके अंदर कोई भी रिलेशन पॉसिबल है क्या नहीं इसका क्या मतलब है तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही तुझको सजा दी अच्छा खासा गाना है यार तू इस पे मचल क्यों रहा है संतोष हाँ सबका नाम संतोष है वो शो पे लड़कियों का भी जजेस के बगल में हमेशा कोई ना कोई एक्ट्रेस बैठी होती है यूजुअली माधुरी यूजुअली क्राइंग मुझे लगता भी नहीं कि उसे कोई बुला रहा है वो खुद ही आ रही है रोना आ रहा है आ जाओ These are the kind of things I think about all day. ये तो अच्छा है कि आप लोग हो वरना मैं सिंगल होता क्योंकि मैं ये सब सोचता हूं और अपनी गर्लफ्रेंड को बताता हूं And she's like, आ, उन्हें जाके सुनो पता नहीं कौन है ये गधे जो पैसे देके ये सब सुनने आते हैं देख रहे हो कैसे बात करती है आप सबके बारे में कभी सड़क पे दिख गई पैर आगे कर देना We've been living together for a few years now.
एंड बेसिकली हमारी शादी हो ही चुकी है, बस हमने की नहीं है, बिकॉज वी डोंट सी द पॉइंट ऑफ थ्रोइंग अ मैसिव पार्टी फॉर पीपल वी डोंट लाइक. Plus, the idea of a big wedding is so stupid, right? We want to spend the rest of our lives together. Let's start from zero. Sari savings uda dete. Shaadi mein Pandit ji pooch rahe hain, mushkil samay mein saath doge? Abhi pata lag jayega. Aa hi raha hai mushkil samay. Isi party ki wajah se. Aap mantra padho, main darta hoon. And you know, you realize when you get into a good relationship, you realize ki Bollywood ne aapko romance ke bare mein kitna bevkoof banaya hai. Asli romantic baatein waisi hoti hi nahi hai jaisi Bollywood mein dikhai jati hai. Main tere liye chaand tod launga, main tare kha ke hug dunga. Koi nahi bol raha hai aise. Matlab ye to Bollywood bhi nahi bol raha hai. Main hi bol raha hu ye. But asli romantic baatein almost aggressive hoti hai. Like almost अपने पार्टनर को देख के गुस्सा चढ़ने लगता है. You know when you find someone so cute, it makes you angry. Like when you look at a puppy, you're like, इसको खा जाऊंगा मैं. There's a term for it. It's called cute aggression. That's how I feel when I look at my girlfriend. मैंने उसको बोला भी है. मन करता है ट्रिमर लेके तुझे गंजा कर दूं. फिर तेरे टकले सर को चाट जाऊं. फिर एक एक बाल वापस चिपका दूं अपनी थूक से. कौन गुलजार साहब? कौन मिर्जा गालिब? ये असली रोमांटिक शायर खड़ा है आपके सामने. तब से बेचारी सो नहीं पाई है. She's like, बॉम्बे कब जा रहा है शोज करने? नींद पूरी करनी थी. हमारी शादी होगी, मैं उसके टकले सर पे सिंदूर मलूंगा, है ना यार. मांग बड़ी चौड़ी है तेरी यार. ये मेरी धर्म पत्नी, थर्मोमीटर, मंडप में वो पगड़ी पहन के आई. Before I leave, guys, I'm going to do something that I don't think you guys would have seen me do before. So, uske liye mujhe wahan jaake wo leke aana padega. Tab tak, can we have a round of applause in the room, please? Thank you. Aaj se saal ded saal pehle, maine Instagram pe ek song parody dala tha, 30-40 second ka. Pehla nasha ka, jo ki pehli baar nashe karne ke baare mein tha. Maine gaane ko literally le liya. और ये वो वाले नशे नहीं है जो अबव द काउंटर लीगली अवेलेबल है. ये है पेड़ पौधे जड़ी बूटियां. तो देखो, ये सब फूंकना फांकना ये सब करना तो अलाउड नहीं है, पर इसके बारे में मैं गाना तो गा ही सकता हूं. तो दिस इज अ सॉन्ग अबाउट द फर्स्ट टाइम आई गॉट हाई विद माई फ्रेंड्स इन कॉलेज. कॉलेज में पहली बार भंड होने के बारे में गाना है. आई होप यू एंजॉय इट एंड थैंक यू फॉर कमिंग. सुनाई दे रहा है आप सबको? Yes. कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे कौन सा अरिजीत का कॉन्सर्ट है. और वहां भी दूधों की मलाइयां ही निकल रही है. तो चलो सुनो फिर भंड होने के बारे में गाना, ठीक है? मेरे दोस्त करते थे स्कोर, उन्हें शुक्रिया. एक जादुई पौधा मैंने फूंक लिया, मैंने फूंक लिया. खाई कुल्फियां, आई उल्टियां. पहला नशा रस्ते का माल, सस्ते में ही हुई आंखें लाल. फिर मैं खा गया 10 कबाब, हंस हंस के हालत खराब. मैंने छोड़ दी है शराब, मैं भंड हो गया. उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, इस लाइन को बदलने की जरूरत भी नहीं. चढ़ता है सुरूर, भूख मिटती ही नहीं. पिज्जा खा गया हूं, डाली उस पे है दही. आया आलस ऐसा माल मार के,
रविवार से हे हे करके नशा दिया था एग्जाम 3 घंटों में बस लिखा नाम माँ ने खींचे फिर मेरे कान कहा तोड़ूंगी तेरे दांत मैं हूँ भज्जी तू श्री शांत मैं रोने लगा उल्टे हाथ से दी माँ ने ऐसे ढंग से तारे दिख रहे थे हजारों रंग के देखो तारे दिख रहे थे क्योंकि मम्मी ने 3-4 चांटे मारे थे और उसके पहले मैंने 5-6 जॉइंट मारे थे है ना काफी ज्यादा तारे हो गए पढ़ता कैसे मैं जब मैं हाय था पतंग से दुनिया घूम रहा था बैठे बैठे पलंग पे फिर पापा को पता चला सभी अब मेरा नाम उनकी वसीहत में नहीं हे हे। पहला नशा किया काफी बार उठ के कुछ करना लगे अत्याचार मैं और मेरे दोस्त थे कंगाल पीते थे हम कचरा माल खांसा जैसे मैं केजरीवाल मैं खंड हो गया थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस आई होप यू एंजॉयड इट थैंक यू गुड बाय गुड नाइट थैंक यू वेरी मच थैंक यू गाइस